हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि राखी आने वाली है, तो उसके लिए हमने ये डेजर्ट बनाया है, वो भी सिर्फ एक ही कप बेसन से। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3/4 कप देसी घी ले लिया है। इसे पैन में डालकर मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 कप बेसन। बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छे से चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। बेसन को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, जब तक इसका कलर ना थोड़ा चेंज हो जाए। हम इसको तब तक भूनते रहेंगे। देखिए कितना अच्छे से कलर इसका चेंज होता जा रहा है और काफ़ी अच्छे से ये रोस्ट हो रहा है बेसन। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच सूजी। सूजी डालने से जो है इस डेजर्ट के अंदर दानेदार सा टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसे भी भून लेंगे इस बेसन के साथ। धीरे धीरे ये भी भुनता जा रहा है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर जो हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। ये मैंने 1 कप दूध ले लिया है। थोड़ा सा हम इसके लिए रख देंगे, बाद में डालेंगे। पहले इसे सब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी मैंने सारा दूध डाल दिया है। इसे जो है इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। हमारा मिक्सचर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसके अंदर अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने ये केसर का दूध ले लिया है। ये मैं इसके अंदर डालने के बाद इसको मिक्स कर दूंगी, जिससे हमारी बर्फ़ी के अंदर अच्छे सा कलर और टेस्ट दोनों आ जाएंगे। अब हमारी बर्फ़ी के अंदर अच्छे से शाइन देने के लिए ये मैंने 3/4 कप देसी घी ले लिया है। इसे जो है इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा और इसके अंदर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बूरा चीनी। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी या बूरा खंड भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती हो। ये डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मावा। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ये मैंने आधी कटोरी मावा लिया है। मावा डालने से बर्फ़ी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसे हम साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से जो है हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब लास्ट में इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से ना बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं या केवड़ा। अब हम इस मिक्सचर को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। प्लेट को मैंने पहले अच्छे से ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया था। मिक्सचर को सारा प्लेट में निकालने के बाद इसे हम फ्लैट कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल सा कर लेंगे। इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम। आप चाहे तो कोई भी नट्स डाल सकते हैं। स्पैचुला से एकदम इसको मैं फ्लैट कर लूँगी और सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से चिपका लूँगी। आप इस बर्फ़ी को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं इसके अंदर स्क्वायर शेप में इसको कट कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट से बनने वाली है और सबको पसंद भी बहुत आती है। त्योहारों के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।